अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केएनएन न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं कायनात मलिक और मैं नाना शहजादी। सबसे पहले केएनएन हेडलाइंस। शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। वजीर दाला शेर रशीद कहते हैं जाते तो बड़े भाई की तरह वापस लाना मुश्किल हो जाता। नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर वजारत दाखिला को दरख्वास्त दे सकते हैं। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने का मामला, वफाकी हुकूमत आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ ने ब्रेनर जाने न देने पर लाहौर हाई कोर्ट में तुहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत के पास इंतकाम के सिवा कोई एजेंडा नहीं। राणा सनाउल्ला कहते हैं कबीना इजलास शहबाज शरीफ की बजाय फलस्तीन के मसले पर बुलाते तो बेहतर होता। आइंदा पीडीएम के इजलास में भरपूर फैसले होंगे। उम्मीद है सरबराही मीटिंग में इस्तीफों के मामले पर बात होगी। राणा सना की जहांगीरन के खिलाफ केसेस की भी मजम्मत। कारोबारी ट्रांजेक्शन को क्रिमिनल केसेस बनाया जा रहा है। मुल्क में कोरोना से मरीज 74 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 19,617 हो गई। 3,232 केसेस रिपोर्ट। ईद की छुट्टियां खत्म, पाबंदियों में नरमी। ट्रांसपोर्ट खुल गई, बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दफातर में 50% अमले के साथ काम की इजाजत। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची के 3 टाउन गुलबर्ग, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजमाबाद टाउन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासर इलाकों में फैमिली इज्तिमात पर पाबंदी होगी। कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। करियाना और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर में कोरोना SOPs के अलावा जिपर कैफे को सील कर दिया गया। गिरफ्तार 49 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेखपुरा में नून लीग के जलसे में कोरोना SOPs की अलावा जिपर जवेद लतीफ के बेटे और 2 भाइयों समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में केसेस में इजाफा। वजीर आला सिंह ने कह दिया SOPs पर अमल ना किया गया तो सख्त फैसले करेंगे। कराची में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। गर्द आलूद हवाएं आज भी चलती रहेंगी। पारा 43 डिग्री तक जाएगा। समुद्री तूफान 800 किलोमीटर के फासले पर है। कराची को कोई खतरा नहीं। भारतीय साहिलों पर तेज हवाओं के साथ बारिश से दरख्त गिर गए, घरों की छतें उड़ गई। 6 अफराद जान से गए। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी खतरे की जिद में आ गए। बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू। तूफान आज रात भारतीय गुजरात से गुजरेगा। अकवामे मुत्तहिदा सलामती कौंसल नाकाम हो गई। मासूम फलस्तीनी बच्चों औरतों को दहशतगर्दी से कैसे बचाया जा सके, इत्तेफाक ना हो सका। जुल्म के खिलाफ सब एक आवाज ना बन सके। चीन ने कहा कि अमेरिका रोक रुकावट बन गया। कुवैत को सलामती कौंसल की खामोशी पर हैरानी। अमेरिका की सलामती काउंसिल, जनरल असेंबली और ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो करारदादें हैं इन पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। फलस्तीनी निहत्ते और इसराइली जदीद असले से लैस हैं। दोनों को एक सफ में खड़ा नहीं किया जा सकता। मासूम लोगों पर बमबारी बंद करवाई जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC इजलास में मुतालबा कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से राब्ते में है। तुर्की ने OIC इजलास में फलस्तीन की हिफाजत के लिए मुश्तरका फौज तैनात करने की तजवीज दे दी। मजलूम फलस्तीनियों की हमायत के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरे। जमात इस्लामी का 21 मई को मुल्की एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जुम्मे को यौम फलस्तीन के तौर पर मनाया जाएगा। कैनेडियन दारुल हुकूमत ग्रांटो में इंसानों का समुंदर उमड़ आया। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी शहरियों का इसराइली दहशतगर्दी बंद कराने का मुतालबा। कतर और इराक वाले भी सड़कों पर आ गए। रावलपिंडी में शहरी के कत्ल का ड्रॉप सीन, बीवी और इसका दोस्त कातिल निकले। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। 8 मई को बीवी के साथ जाने जाते हुए मोहसिन जावेद पर फायरिंग की गई थी। बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, फिर मामला इतना बड़ा। डंडे और लोहे के रॉड चल गए। एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में क्रिकेट खेलते लोगों का झगड़ा हुआ था।
लाहौर में बुद्धू का आवा, जहां ना बुद्धू है ना आवा। शाहजहां दौर में तामीर की गई इमारत मकबरा है, जिस पर नीले पीले रंग की खूबसूरत रंगी ईंटों का काम आज भी गुजरने वालों को मुतवज्जा करता है। कभी जाते थे जैस्मिन गार्डन हो गया, जैसे पार्लियामेंट के सामने हम फ्लावर्स देखने जाते थे, लेकिन अब इस्लामाबाद की हर सड़क के साइड पे हमें रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। और इस्लामाबाद में गुलशन का कारोबार खूब चल पड़ा, सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट और क्यारियों में रंग बिरंगे फूलों की बहार, फिजाएं मुअत्तर हो गई। ये थी अब तक की हेडलाइंस। अपडेट के लिए देखते रहे कैना न्यूज़ लाइव।